हेलो स्टूडेंट्स, लिंबस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, और हिमाचल प्रदेश में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है मैं आपके सामने रखूंगा। मैं यहाँ पूरे आईटी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन तीन चीज़ों के ऊपर जरूर बात होगी। पहला कि ये जो आईटी है, इसका रूरल कम्युनिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ पे हिमाचल की जब बात करते हैं। दूसरा, स्टेट के क्या कुछ एक प्लान्स हैं ई गवर्नेंस के लिए। और तीसरा, हम एक सोसाइटी की बात करेंगे जिसके ऊपर जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे, दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द आईटी। देखिए, आज की अगर हम बात करें दौर की, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है कहीं ना कहीं आज लोग जैसे रह रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को रिवोल्यूशनाइज्ड कर रहा है। लेकिन जब भी अर्बन एरियाज़ की बात होती है, तो अर्बन एरियाज़ में ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका बेनिफिट जो है बहुत अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ होते हैं फ्रेंड्स, उनमें अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी जो है उसका एक अलग ही इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। बस उसी की आज हम बात करेंगे, दैट क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी का रहता है हमारी इस रूरल कम्युनिटी की, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हो सकता है आपने नोट्स बनाए हों इन सभी चीज़ों के, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है ऐड ऑन करने को, तो प्लीज़ ऐड ऑन कीजिएगा। अगर ये कैसे अदरवाइज आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें दैट किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो यू कैन से द कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, दैट हमारे रूरल एरियाज जो है हिमाचल प्रदेश में, उनमें कहीं ना कहीं एक यू कैन से एक बेटर कनेक्टिविटी जो है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन, वो आपको देखने को मिलेगा। अ बेटर कम्युनिकेशन और द कम्युनिटी, लाइक आप देखिए मोबाइल हो गया, ठीक है जी, या फिर इंटरनेट हो गया। जैसे आप देखेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट हमारे पास है, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी पंचायत को यहाँ पे क्या करना है, यू कैन से उनको कनेक्ट करना है फाइबर से, जो फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं उनके उनसे नेट जो है इंटरनेट के साथ उनको कनेक्ट करना है। तो कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है रूरल एरियाज में बाय द टेक्नोलॉजी। दूसरा अगर इंपैक्ट देखें रूरल एरियाज में, तो एग्रीकल्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हैं, देखिए क्या है रूरल एरियाज में, जनरली जो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन है वो अपनाए जाते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आती है, तो टेक्नोलॉजी के आने से क्या होगा, जो मॉडर्न मीन्स होते हैं, द मॉडर्न मीन्स ऑफ द कल्टीवेशन यू कैन से ऑफ द एग्रीकल्चर जो है उनकी इंट्रोडक्शन होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन से लेके मार्केट तक, ये सारा का सारा प्रोवाइड करवाया जाता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ टूल्स जो है यहाँ पे अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाए जाएंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा। यू कैन से एक वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है टेक्नोलॉजी के द्वारा, या कराई भी जाती है टेक्नोलॉजी के द्वारा। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो प्रिसाइज फार्मिंग जो है, ये एक मेजर इवेंट आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी का। यानी कि किसान जो होते हैं, उनको पता चलता है उनकी सॉइल जो है उसकी हेल्थ कैसी है, किस तरह की फसल वहां पे उग सकती है, उन सारी चीजों का डाटा लिया जा सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। सो दैट प्रिसाइज एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे किया जाए। देन प्रिसाइज एग्रीकल्चर के साथ साथ आप देखेंगे तो यस, टेक्नोलॉजी क्या करती है भाई, टेक्नोलॉजी एक मार्केट प्रोवाइड करवाता है। ई नाम आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ये प्रोवाइड करवाती है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो है हम इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देखा जाए एग्रीकल्चर में, तो आप देखिएगा दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स विल इंट्रोड्यूस, तो मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो कल्टीवेशन से लेके मार्केट तक जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के ऊपर अगर यू कैन से हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं, तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है भी, या फिर यू कैन से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कैसे मिलता है। देखिए जब भी आप रूरल एरियाज की बात करेंगे, खासकर हिमाचल प्रदेश की, जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, इस तरह के रीजन्स की जब आप बात करते हैं, तो हेल्थ जो है वो, यानी हेल्थ मतलब क्वालिटी हेल्थ जो है हमेशा ही क्या रहा है, एक कंसर्न रहा है ऑब्वियसली। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है इस हेल्थ के थ्रू जो है हेल्थ में हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो है आप कर सकते हैं इस कम्युनिटी में,
एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बिल्डअप किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं सरकार ने, जैसे ई संजीवनी आपने सुना होगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दैट घर बैठे जो है वो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका बेहतर है, टेलीमेडिसिन इसका बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यू कैन से द इम्प्रूवमेंट, द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से रूरल वाले रीजन्स में। एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है इस कम्युनिटी के ऊपर जो है वो डाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई संजीवनी, ठीक है, ई संजीवनी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, टेलीमेडिसिन हो गया, ठीक है, टेलीमेडिसिन यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। नाउ जो अगला इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है इस टेक्नोलॉजी का वो हो जाता है एजुकेशन और लर्निंग के ऊपर। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से जो है एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है, द पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एजुकेशन के ऊपर जो है हम लोग यू कैन से रूरल कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि एक यू कैन से द बेटर लर्निंग जो है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सकता है विद द टेक्नोलॉजी। जैसे आप देखेंगे हमारे पास क्या है, दीक्षा हो गया, ठीक है जी, दीक्षा पोर्टल हमारे पास है जिसमें यू कैन से कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों को, ठीक है जी। स्वयं हो गया, स्वयं पोर्टल जो है फ्रेंड्स, ये भी आप अच्छा एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट क्लासरूम हो गए, स्मार्ट क्लासरूम हो गए जो क्या करते हैं, यू कैन से जो इंटरेक्टिव बनाते हैं जो सेशंस को, जैसे क्लासेस हैं उनको इंटरेक्टिव बनाना है ना, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना है क्लासेस में। तो एक बेटर लर्निंग, एक बेटर एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी एक अच्छा इंपैक्ट जो है इसके ऊपर डाल सकती है रूरल कम्युनिटी की, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टल्स भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर एंड द हेल्थ केयर। बिल्कुल फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी इनका इस सोसाइटी का यू कैन से जो भी इनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उस सारी की सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखो किस तरह से दो चीजें हैं फ्रेंड्स, कल्चर और हेरिटेज कैसे यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक यू कैन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है चीजों की, ठीक है जी। चाहे फिर यहाँ का कस्टम हो गया था, चाहे यहाँ के फोकलोर हो गए, चाहे यहाँ पे यू कैन से जो भी स्टोरीज हैं, गाथाएं हैं, उन सबको क्या किया जा सकता है, यू कैन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उनको यू कैन से कंजर्व किया जा सकता है। सो दैट हम क्या कर सकें, जनरेशन टू जनरेशन को इन चीजों को बता सकें। दूसरा, अगर आप म्यूजियम्स की बात करें तो म्यूजियम्स में जो रखी हुई चीज है उनको डिजिटाइजेशन करना, यू कैन से, ठीक है, डिजिटाइजेशन उनका करना, ये एक इंपॉर्टेंट यू कैन से रोल हो सकता है टेक्नोलॉजी का इस पर्टिकुलर चीज में। देन उसके साथ साथ आप देखिएगा दैट सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक ग्रेट प्लेटफॉर्म इन लोगों को देता है कि जो भी इनका कस्टम है, जो भी इनके ट्रेडिशंस हैं, उनको क्या कर सकें, बेहतरी से जो है इनको शोकेस कर सकें दुनिया के सामने कि हाँ ये रिच कल्चर जो है हमारा है, तो अपने कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। तो यस, दीज वर सम इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द रूरल कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो इनको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछ लेता है कभी रूलर्स के साथ जोड़ के अगर आईटी को देखता है, तो आप इन चीजों को मेंशन जरूर करिएगा और कुछ एक एग्जाम्पल्स जरूर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर में आप क्या कर सकते हैं, ई संजीवनी मैंने आपको बताया, आभा आईडीज बन रही थी, है ना, आभा आईडीज बनाई जा रही है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी कि जो पेशेंट है उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें तो वो प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। तो आभा आईडीज बनेंगी, अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे, गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो पहला जो आज का मुद्दा था वो था कि आईटी का रूलर में क्या इंपैक्ट रहता है। दूसरा, सरकार के क्या प्लान्स हैं ई गवर्नेंस के लिए, उनकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे आपने देखे होंगे, कुछ एक का मेंशन करना जरूरी है और उनको लिखना क्या है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है उनमें, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने सीधा सीधा अपने इकोनॉमिक सर्वे से जो है वो डाटा उठाना है। क्योंकि अगर स्टेट के प्लान की बात करें ई गवर्नेंस की स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं दैट इन द रिसेंट ईयर्स द स्टेट हैज बीन अवार्डेड द वेरियस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स, वैवरत्ना अवार्ड्स एंड मेनी अदर, यू कैन से बहुत सारे ऐसे अवार्ड उनको मिले हैं। और मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जो है हिमाचल प्रदेश के, जैसे आप देखेंगे तो सीएम हेल्पलाइन,
लास्ट में मैं सवाल भी बनाऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा कि किस तरह से दैट ई गवर्नेंस जो है, और यू कैन से द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो गुड गवर्नेंस की तरफ जा सकती है, या फिर गवर्नेंस कैसे बेटर हो सकता है ई गवर्नेंस की मदद से, ये सवाल आपसे बन सकता है। तो आप देखिए दैट उसमें ई गवर्नेंस में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। यू कैन सी दैट वी हैव सीएम हेल्पलाइन, तो उसमें आप क्या मेंशन कर सकते हैं। आपको पता ही है दैट इसमें क्या होगा, पब्लिक ग्रीवेंसीज प्लेटफॉर्म है ये, है ना, जिसमें आप कॉल करेंगे तो आपके ग्रीवेंसीज को बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें आपको पता है। लेकिन वैल्यू एडिशन में आप देखिएगा, कॉल सेंटर एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल, सबमिशन ऑफ डिमांड एंड सजेशन टू द ऑनरेबल, यू कैन से चीफ मिनिस्टर जो है। तो 90% कंप्लेंट जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री है ये, ठीक है जी, आपको पता ही है वो 1100 सेवा संकल्प जो है, ठीक है। तो 90% कंप्लेंट जो है वो यू कैन से यहाँ पे डिस्पोज उनको किया जा चुका है। तो ये वैल्यू एडिशन के लिए इस चीज को हैश टैग कर लीजिएगा, रेफरेंस आप दे सकते हैं 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा आप देखिए गवर्नेंस में वी हैव द हिमसवान। अब नाउ यू सी द स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है, हिमसवान जो है जिसका डेफिनेशन भी इस बार आया था, तो इट इज अ रिलायबल एंड सिक्योर बैकबोन टू एड्रेस द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एंड एसोसिएटेड सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट, यानी कि सभी को ई गवर्नेंस से जोड़ा है, वो सारा का सारा नेटवर्क हिमसवान के थ्रू है। तो एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, तो आप देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2526 गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है स्टेट में, दे आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क, तो इस नेटवर्क से जोड़े जा चुके हैं। तो ये भी एक वैल्यू एडिशन पॉइंट आपको होगा। देन उसके बाद देखिए आधार, आधार इज अगेन द वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वी हैव फॉर द ई गवर्नेंस, जिसमें आप लोग क्या करेंगे दैट यूनिक आईडीज जो है वो जनरेट की जाएंगी, ताकि लोगों के लिए जो सर्विसेज हैं वो आसानी से प्रोवाइड की जा सके, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है इनको प्रोवाइड किया जा सके, वो सारी चीजें। तो आधार में देखिएगा टोटल ऑफ 104.29% ऑफ यू आईडीज हैव बीन जनरेटेड इन द स्टेट, एंड दिस इज लेटेस्ट डाटा राइट, 2023 और 24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ द पॉपुलेशन अबव 5 ईयर्स, आधार सेचुरेशन लेवल जो है स्टेट का वो 100% है। हिमाचल जो है फोर्थ रैंक पे आपको मिलेगा आधार जनरेशन की, जब बात करते हैं ओवरऑल, जब बात करता हूँ 5 और 0 से 5 के बीच में हमारे पास अगर आप देखें तो पहला रैंक है, बट ओवरऑल देखा जाए तो फोर्थ रैंक है हिमाचल प्रदेश का। तो ये चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर्स में फॉर द वैल्यू एडिशन। उसके बाद स्टेट प्लान का अगर देखेंगे, देन वी हैव डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है स्टूडेंट्स, ये भी आप, यानी कि क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है गवर्नमेंट स्कीम्स का उसको डायरेक्ट डिलीवर करना है उसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के अकाउंट में। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1157.10 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफर किया जा चुका है डीबीटी के द्वारा। तो ये एक वैल्यू एडिशन पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे से ये पॉइंट निकालने हैं सो दैट आंसर जो है आपका अच्छा बने। जैसे भारत नेट है, ये भी एक गवर्नेंस का ही, यू कैन से हिस्सा है, गवर्नेंस का ही हिस्सा है, जिसमें आप रूरल एरियाज को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी पंचायत को जो है वो कनेक्ट करेंगे विद द इंटरनेट फैसिलिटीज। भारत नेट इज द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द ग्राम पंचायत इन द कंट्री। और देखो देर आर टोटल 3615 ग्राम पंचायत जो है, यानी कि दिस इज द लेटेस्ट डाटा, इनको जो है वो कवर किया जा चुका है भारत नेट के अंतर्गत, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब ये फेज 1 फेज 2 अलग अलग फेजेज में होगा। आप सीधा सीधा बताइए कि इतनी जो पंचायत है इन पंचायतों को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा भारत नेट के थ्रू। गेटिंग द पॉइंट। देन उसके बाद देखिए द स्टेट डाटा सेंटर। स्टेट डाटा सेंटर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन डाटाबेस है ये हमारा, जहां पे स्टोर करना है हमने चीजों को। टोटल 194 वेबसाइट एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन आर होस्टेड एट द HP स्टेट डाटा सेंटर, ठीक है जी, इतनी है। और 23-24 के लिए अगर आप देखेंगे तो 19 न्यू एप्लीकेशंस वेबसाइट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हैव बीन होस्टेड इन द HPSDC, यानी कि जो स्टेट डाटा सेंटर है हमारे पास। तो क्या करना है आप लोगों को, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे से अपने आंसर्स की वैल्यू एडिशन के लिए ऐसे पॉइंट जो है उनको एड ऑन करना है। तो अगर ई गवर्नेंस के ऊपर आपसे सवाल पूछता है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग, तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट इकोनॉमिक सर्वे से अगर यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एक प्लान्स थे ई गवर्नेंस के लिए, आप इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यस द सेकंड इंपॉर्टेंट। आइए अब बात करते हैं तीसरा जो मुद्दा है आज का हमारा,
आईटी से, वो स्टूडेंट्स एक सोसाइटी, हो सकता है आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी वो ले ले थोड़ा सा, और यू कैन से ज्यादा सोचना ना पड़े आप लोगों को। तो ये सवाल है सोसाइटी के ऊपर, द हिमाचल प्रदेश सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस, SITEG, ठीक है जी, साइट जी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारे पास, जिसका मेन मकसद क्या है आइए देख लेते हैं। जिसका मेन मकसद है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट यू कैन से प्रमोशन ऑफ द इंटरनेट, यू कैन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस बेस्ड एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास। इसका मेन मकसद क्या है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस है बेस्ड जो भी एक्टिविटीज हैं हमारे यहाँ पे, उन सभी एक्टिविटीज को क्या करना है यहाँ पे, यू कैन से उनकी प्रमोशन जो है उनको प्रमोट करना है। एक तरह से आप बोलेंगे तो जैसे हिमस्वान क्या है, उसमें नेटवर्क बिल्डअप किया जाएगा, लेकिन उसके साथ ये सोसाइटी एंश्योर करेगी कि मैं हम किस तरह से आईटी और ई गवर्नेंस को स्टेट के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ही मैं फंक्शंस जो है इसके आप लोगों को जो है वो बता दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे देखिए, सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब ये कैसे किया जाएगा, देखो आईटी डेवलपमेंट यहां लिखा है फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ एंड एडॉप्शन ऑफ द आईटी अक्रॉस द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स बात सीधी सीधी सी है कि इन्होंने आईटी डेवलपमेंट कैसे करना है यहां पे। तो आईटी डेवलपमेंट जो है ये प्रमोट किया जा सकता है यहां पे जब आईटी सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक तो इन्वेस्टमेंट करना है इन्होंने आईटी सेक्टर में, जैसे आईटी पार्क्स बनाने हैं हम लोगों ने विद द कंसल्ट ऑफ, यू कैन से जो कॉरपोरेट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट है उनकी कंसल्टेशन के साथ हमने आईटी पार्क बनाने हैं। तो स्टेट के अंदर आईटी डेवलपमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस सोसाइटी का रहेगा थ्रू वेरियस वेरियस थिंग्स। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जो है आईटी डेवलपमेंट, जैसे हमारे पास आईटी पार्क्स बन रहे हैं फ्रेंड्स, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, यहाँ भी आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमने क्या करना है प्रमोट, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये। दूसरा ई गवर्नेंस इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इन द गवर्नमेंट थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है ना, नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान है, तो नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान के थ्रू जो है ये जो सोसाइटी है, जो भी वहां पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी वहां पे एक्टिविटीज होंगी, उनकी इंप्लीमेंटेशन यहां पे करेगी, सो दैट ई गवर्नेंस जो है इसको यहां पे प्रमोट किया जाए, यहां पे सफिशियंट मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है इसको प्रमोट किया जाए यहां पे। तो ई गवर्नेंस जो है इसका एक मेन फंक्शन है, विच यू कैन से द सोसाइटी वर्क अंडर द जो नेशनल प्रोग्राम है हमारे पास ई गवर्नेंस का, राइट, द नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान जो है। देन उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये जो आईटी है इसमें हमने क्या करना है दैट स्किल्ड लेबर जो है वो प्रोवाइड करवानी है। तो स्किलिंग की बात जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं की जाती है, यानी कि प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू एडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट द आईटी सॉल्यूशंस। यहां पे आईटी के लिए जो आईटी पार्क बनेंगे, ई गवर्नेंस होगी, तो उसके लिए स्किलिंग हम लोगों को चाहिए, तो स्किल के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, या फिर स्किल लेबर आप बोल सकते हैं ये प्रोवाइड करवाना है। ये एक इसका एक मेन मकसद है, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके आईटी की इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और कैसे करेंगे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाएंगे इन लोगों को, सेमिनार्स इनके करवाएंगे, ठीक है, या फिर यू कैन से इस तरह की कुछ एक्टिविटीज जो है, ठीक है, ऐसी जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएंगी। देन उसके बाद सिटीजन सर्विसेज, इंप्लीमेंटिंग द आईटी सॉल्यूशन टू इंप्रूव द सिटीजन एक्सेस टू द गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन्होंने सीधा सीधा सा जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा G2C के लिए, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, उनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बिल्डअप करना है, सो दैट क्या हो सके, सिटीजन्स को जो है वो सर्विसेज जो है वो एफिशिएंट मैनर में यहां पे प्रोवाइड करवा सके। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि उनको गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्सेस जो है वो इजीली मिल सके। तो ये एक सोसाइटी है छोटी सी, इसका ध्यान आपने प्लीज जरूर रखना है, पॉसिबिलिटी हो सकती है आपसे इसके बारे में पूछा जाए।
तो अगर सवाल ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस का आएगा तो दोनों में आपने ये चीजें मेंशन करनी है, उसके साथ एक दो दो लाइंस जो है इसकी जरूर एड ऑन जो है वो आप लोगों ने करना है, राइट। तो ये तीन पर्टिकुलर फैक्टर्स थे आईटी से, हिमाचल प्रदेश से, जिनके ऊपर जो है वो चर्चा बहुत जरूरी थी, तो इसलिए जो है आई होप आपको ये लाइक कैसे ये लेक्चर जो है ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही फिर एक और पर्टिकुलर वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।